निकल कर आ रही है रीवा से खबर। बोरवेल में जहां मासूम 6 साल का मयंक गिरा था, जिंदगी की जंग वो हार चुका है और मासूम की मौत हुई है। लेकिन देखिए, हमेशा हम देखते हैं इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं और जब मामले सामने निकल कर आते हैं तब जाकर प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जावेद, देखिए अक्सर हम देखते हैं इस तरह के हादसे सामने निकल कर आते हैं और जब हादसे आते हैं सामने आते हैं तभी प्रशासन हरकत में आता है। एक बार फिर से एक मासूम ने अपनी जिंदगी हार ली है। बिल्कुल, 45 घंटे के बाद मयंक 6 साल के मासूम की जो बोरवेल में गिर गया था, अंततः उसकी बॉडी मिल गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उसको त्योंथर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। पूरे मामले में कलेक्टर रीवा ने बता दिया है कि हमने सुबह आज 8 बजे के आसपास ही बॉडी को हेलो कलेक्टर क्या बोले हैं? मैडम ने बोला है कि खत्म हो गया है, नहीं बचा सके हम। खत्म हो गया, ठीक है, ओके बाय। टीसी जारी कर दिया, फोटो पेश करो मैं आपका। तो देखिए तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वही बोरवेल है जहां पर 6 साल का मासूम मयंक शुक्रवार को खेत में खेलते खेलते वक्त इस बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद लगातार कोशिशें की जा रही थी कि मयंक को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू भी लगातार चल रहा था। और बता दें कि जिंदगी की जंग यहां पर मासूम मयंक हार गया है।